स्टेजेस ऑफ चीन प्याजे दी स्टेजिज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दी स्टेज आर इम्पॉर्टेंट प्याजे इज टेलिंग अस डेट वी लर्न एंड ग्रो थ्रू स्टेजस हमारी जिंदगी को हमारी उम्र को उसने मुख्तफ स्टेजस में डिवाइड करके हमें बताया है कि हम पहली स्टेज क्रॉस करते हैं फिर दूसरी करते हैं फिर तीसरी करते हैं फिर चौथी करते हैं फिर पाँचवीं करते हैं तो सारी जिंदगी जो हमारी पर्सनलिटी में चेंज आता है जो हमारी ग्रोथ होती है जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारी स्टेजेस के थ्रू होती है अच्छा अब वो स्टेजेस जो हैं वो क्या हैं वो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट उसका है कि लर्निंग ऑलवेज कम्स थ्रू स्टेजेस। व्हाट आर दी स्टेजेस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज अब सेंसरी का जब लफ्ज़ आ रहा है तो उसका मतलब है ये बर्थ से दो साल तक होती है बच्चे इसमें सेंसेस का यूज करते हैं हमारी जो पांच सेंसेस हैं देखने सूंघने और चखने और जो है हेयरिंग सीइंग एंड टचिंग एंड टेस्टिंग ये सारी जो सेंसेस हैं हमारी इसके साथ बच्चे जो हैं वो इस स्टेज में सीखते हैं वो माहौल से इंट्रैक्शन जो करते हैं वो सेंसेस के साथ करते हैं अब आप उनके सामने एक कोई खौफनाक शक्ल दिखाएंगे तो बच्चे रोने लग जाते हैं आप उनको जो है मुस्करा के देखेंगे तो वो हंसते हैं आपके साथ जब आप उनको डांटने वाला मुंह बनाएंगे तो तब भी वो रोना शुरू कर देते हैं यानी वो देख के सुन के चक के छू के ये सारी चीज़ों के साथ सेंसेस के साथ माहौल की इंट्रैक्शन करते हैं इसमें इस स्टेज में बच्चे की जो आ, आ, ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होती है उसकी फिज़िकल मेंटल और आ, सोशल सोशल इतनी नहीं है लेकिन मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ बड़ी स्विफ्ट होती है चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में मेंटल चेंजेस आ रही होती हैं और सोशली स्टेज पे बच्चे जो हैं वो खुद से अपने घर बना के खेलना पसंद करते हैं दोस्त उनको इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि इस स्टेज पे वो शेयर नहीं करते अपनी चीज़ों को उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है जी दो से सात साल तक चलती है इसको चाइल्ड हुड भी स्टेज भी कहते हैं और इसमें जो है बच्चे की स्पीड उस तरह से तेज़ नहीं जैसे कि पहले वाली में थी लेकिन बच्चे इस वक्त भी ग्रो कर रहे हैं उनकी जो है हाइट बढ़ रही है वेट बढ़ रहा है इसी तरह से उनका जो माइंड है वो मेच्योर हो रहा है तो इस स्टेज पे भी बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और ईगो सेंट्रिक होते हैं अपनी ज़ात उनको बड़ी पसंद है अपनी आइडेंटिफिकेशन अपना नाम बड़ा उनको पसंद है और सोशलाइजेशन इस स्टेज पे वो करना पसंद करेंगे दोस्त बनाना पसंद करेंगे दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेंगे और इस स्टेज पे बच्चे इतने लॉजिकल नहीं होते अभी मतलब उन्हें चीज़ों की हम जब उन्हें जवाब देते हैं कि ये इस तरह से हुई है इस तरह से हुई है तो बात उन्हें उसकी जो लॉजिक है वो अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते वो कहते नहीं हमारा काम अभी होना चाहिए हम जो कह रहे हैं तो इस काम को होना ही चाहिए लॉजिक पीछे क्या है हमारे पास पैसे नहीं हैं हमारे घर में जगह नहीं है हम कहीं से ला नहीं सकते इस तरह की लॉजिक्स जो हैं उनको इतनी अपील नहीं करती दे नीड देयर टास्क टू बी फुलफ़िल्ड तो उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सात से ग्यारह साल में है इसमें जो कंक्रीट है अब बच्चे लॉजिकल हो गए हैं अब वो उसमें टीन में चले गए हैं आल दो टीन एज इज़ कॉल्ड वेरी एज लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो जवान होना है जिसको हम कहते हैं जी और चाइल्ड हुड को छोड़ के वो अब आगे नौजवानी में तो अब इसमें उनकी फिर से जो है वो तेज़ी से ग्रोथ हो रही है उसकी उसकी जो मूड स्विंग्स हैं वो बड़े है, इस विजिबल uh, होते हैं इस स्टेज के अंदर अभी मूड हुश है अभी अच्छे मूड में है थोड़ी देर बाद उनको एकदम टेंशन स्टार्ट हो जाती है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक नॉर्मल बात है अगर इस स्टेज पे बच्चे की मूड स्विंग्स हैं पेरेंट्स को बड़े पेशेंस का मुजाह करना चाहिए वो इस स्टेज पे बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं बच्चे इस उम्र में आज़ादी बहुत पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करना और इस और जो अपोज़िट सेक्स है उसकी अट्रैक्शन बड़ी बढ़ जाती है ये सब नेचुरल है इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और अपने बच्चों को गाइड भी करना चाहिए इसको आप जो है ज़बरदस्ती स्टॉप नहीं कर सकते सारी चीज़ों को बच्चे इस टाइम पे ख़ुद मुख्तारी चाहते हैं आज़ादी चाहते हैं और माँ बाप की बेजा रोक टोक जो है वो उनको उनके ट्रैक से हटा देती है तो जो चूँकि फिज़िकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस से बच्चे डिप्रेस होते हैं और प्यूबर्टी में पहुँचते हैं बच्चे इस स्टेज में तो वो जो चेंजेस हैं वो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती हैं इस टाइम पर माँ को अपनी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए और फादर को अपने बेटे का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए क्योंकि इस स्टेज पर उनको आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इस टाइम पे उनको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तुम तो आवारा हो गए हो तुम्हारे तो दोस्त इस किस्म के हैं यू आर नॉट गुड पर्सन तो दीज कमेंट्स यू नो ऑलवेज नेगेटिव कमेंट्स ऑलवेज पुट डाउन योर चिल्ड्रन वो क्या होंगे रिबेलियन वो बागी हो जाएंगे और और, और ज़्यादा वो वाला काम करेंगे जिससे आप उनको रोकेंगे सो तो इसलिए इस एटीट्यूड को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए इस स्टेज में फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो आखिरी स्टेज कही है प्याजे ने उसने कहा जी इस स्टेज पे बच्चे अब मेचोर मेच्योर हो गए हैं अब वो लॉजिकल हो जाएंगे हर चीज़ को पहले सोचेंगे फिर उसको काम को करेंगे तो इस स्टेज में जो है बच्चा अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करने की स्टेज पे होता है अपने ऑकोपेशन को भी अडोप्ट करने की स्टेज पर होता है तो इस स्टेज पर बच्चों को बहुत ज़्यादा निगरानी की उस तरह ज़रूरत नहीं होती जो कि पहले स्टेज में थे लेकिन माँ बाप की बच्चों को हर स्टेज पर ज़रूरत होती है तो माँ बाप को इस स्टेज पे भी अपना स्पाउस चूज करने में भी बच्चों को काउंसिल करना चाहिए अपने प्रोफेशन को किस तरह इन्हेंस करना है इस पे भी उनको काउंसिल uh, करना चाहिए ये नहीं कि वो अपने कमरे में बैठा है आप अपने कमरे में बैठे हैं जी बच्चा जवान है वो खुद ही करेगा नो 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 ही और शी नीड्स ऑलवेज़ योर काउंसलिंग एंड योर गाइडेंस क्योंकि आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंसड होने की वजह से जो चीज़ आप उसको कम्युनिकेट करेंगे वो बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगी उसने अभी एक्सपीरियंसिस नए करने हैं आप कर चुके हैं इसलिए ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके बच्चे की पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है।